मैंने जो अभी कुरैन सुल्तान चैनल के लिए एक वीडियो शूट करी है जो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और अब लकी निकल रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। वो निकल जाए उससे पहले जो है मुझे आपके साथ करनी है गुड न्यूज़ शेयर। एक नहीं, एक्चुअली मुझे आपके साथ दो गुड न्यूज़ शेयर करनी है जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ में से है, और कुछ लोगों ने तो सही गैस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज जो गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका सही वक्त आ चुका है। बाकी जो है मैं उमरा से आने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी जो है शेयर करूंगी। अभी चलते हैं नीचे, अदरवाइज लकी निकल जाएंगे गाइस। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप लोग। आज आपसे हम कुछ शेयर करने वाले हैं जो सबकी उम्मीद लगी थी और बहुत सारे यही सुनना चाहते थे। बोलो, ये बोलेगी। सो गाइस, हमारी लाइफ की बेहतरीन गुड न्यूज़ में से है ये वाली गुड न्यूज़ कि हम पूरी फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह निकल रही है उमरा के लिए। उमरा के लिए अभी भी जा रही है, अम्मी भी जा रहे और उरैन, अब्दमाश, मन्ना, मैं और अम्मी, हम फाइव लोग उमरा के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद हमारा जब स्टार्ट हुआ था ना उमरा, तब प्लानिंग हुई थी। तो तब ऐसा था कि उरैन काफी छोटी थी तो मैं चाह रही थी कि ये और उनकी अम्मी चले जाए, लेकिन उस टाइम पे लकी रेडी नहीं हुए। लकी को था नहीं, मैं बच्चों के तुम्हारे बिना तो नहीं जाऊंगा, जब जाएंगे सब साथ ही जाएंगे, तो कुछ प्लान नहीं हुआ हमारा। एक्चुअली में अचानक फोन आया उमरा के लिए चलना है, हम रेडी हो गए, अल्लाह ने बुलाया है बस, तो हमको रवाना होना है बस, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीक हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, बस ऐसे हुआ कि जिम से आए और इन्होंने मुझसे, इनको एक दिन पहले जो था फोन आया था भाई का, इन्होंने जब जिम से आए मुझसे ऐसे ही कहा कि अरे भाई का फोन आया था उमरा के लिए जा रहे हैं सब, तो मैंने कहा अरे तो चलते हैं ना, तो बस इन्होंने कॉल किया, पासपोर्ट सेंड किए और डन। तो इसे होता सबके लिए हम दुआ करेंगे और सब यानी बहुत खुशी है मुझको तो, मैंने जब से मैं किया हूँ ना तो जब से बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, नमाजें हो रही है माशाल्लाह, यानी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी लाइफ में हमारे। हाँ, काफी तो बड़ा बदलाव आएगा। अल्लाह हमको हिदायत दे, अल्लाह हमको समझ दे, अल्लाह हमसे अच्छे काम कराए, हम ये दुआ करेंगे इंशाल्लाह। सच में, और सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, हर चीज की अपडेट, और इंशाल्लाह एक दिन लाइव भी आएंगे वहाँ से, वहाँ से मक्का से इंशाल्लाह। एक्चुअल में पता है कि जितने लोगों की दुआ है, अभी भी कमेंट्स आते हैं, हमको बहुत इज्जत देते आप लोग के भाई हमारे लिए दुआ किए, अभी हमारे लिए दुआ करना। एक्चुअल में हम इतने पाक साफ तो नहीं है, इंशाल्लाह वहाँ जाके सबके लिए दुआ करेंगे जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी जो उम्मीद हम पे है कि आपकी दुआएं कबूल होती है, आप ये है वो है जो भी है, लेकिन आपका जो भरोसा है इंशाल्लाह, जो दुआओं के लिए बोलेंगे इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे, आमीन इंशाल्लाह। और ये देखो हमारी टिड्डू, ये अल्लाह कबूल करने वाला है, सबकी उम्मीद को उम्मीद है कि अल्लाह वहां जाके कभी खाली हाथ नहीं आने देता है। हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, सब दोस्तों के लिए, सब फैमिली के लिए, बहनों के लिए, सब्सक्राइबर, नॉन सब्सक्राइबर, अगर हमारे हेटर भी है ना, सच में हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह सबको अच्छा रखे, सबके घरों में बरकत दे, जिनके पास खुद की छत नहीं है अल्लाह उनको खुद की छत दे, हर हर तरह से आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, जहां बीमारियां हैं, अल्लाह अल्लाह हर घर में बरकत नवाजे, उनके शिफा अता करे, जो बीमार है उनको शिफा अता करे, जो भी औलाद है उनको औलाद अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें भी खुश, हम तो बहुत खुश है, आप भी खुश होंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पड़ता था जब मैं दुबई गया था, सिंगापुर के टाइम, आप उमरा जाओ उमरा जाओ, इंशाल्लाह ये नियत है कि हर साल उमरा जाएंगे, हज भी करेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली कैसा था, हम पहले कर सकते थे लेकिन देखो कई बार आपके जब पास बुलावा नहीं आया तो नहीं है, बस आज अचानक बुलावा है, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। जब आपके पास दौलत है, अल्लाह ने दी हुई इज्जत है, पैसा है, घर है, हर चीज से आप सही हो, फिर भी आप जा नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं अल्लाह की मर्जी। बहुत सारे लोग है ऐसे जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, वक्त भी है, लेकिन नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे क्योंकि अल्लाह ने बुलाया नहीं। बैंकॉक जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे, लेकिन अल्लाह का बुला हुआ है, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं ये ऐसे जा रहा हूँ कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए इंशाल्लाह। हाँ, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, जो चेंज आपको भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वाकई जब अल्लाह आपको मेहमान बनाता है, अल्लाह आपको बुलाता है, तो
उसमें अल्लाह की जब मर्जी होती है ना, तो कहीं ना कहीं देखो अल्लाह ही आपके दिलों में वो चीजें डालता है, अल्लाह ही आपके दिलों में वो बदलाव डालता है, और जब ये बदलाव आपकी लाइफ में आता है तो वो चीज अल्लाह को तो ऑब्वियसली नजर आनी है, वो दुनिया को भी नजर आती है। और मेरी हुरैन तो किस्मत लेके आई है माशाल्लाह। और दुबई भी चलेगी फर्स्ट बर्थडे, दुबई में अभी उमरा भी कर लेगी माशाल्लाह। वन ईयर में माशाल्लाह हुरैन ही लिखवा के लाइए कि जब वो आएगी तब हम बेटी के साथ उमरा करेंगे। और देखो अब सब हो गया माशाल्लाह, और आपको हर चीज की अपडेट देंगे इंशाल्लाह। आगे जो भी रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, सारी जर्नी शेयर करेंगे, हर चीज क्या जरूरत है कैसा है। और खास करके उमरा के जब निकलते टाइम हम जितने दिन वहां रहेंगे, और हर ब्लॉक आप मिस मत करना, प्यार देना। आप लोग देखोगे, आप लोग दुआएं करेंगे, हमारा उमरा कबूल करे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारी लिए दुआ अभी से कबूल करना, दुआ करना कि हमारा उमरा कबूल हो जाए। और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, कंटिन्यू मैं हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी जैसे हर चीज हमेशा करती आई हूँ। और सबसे बड़ा टास्क होने वाला है कि हमारे साथ बच्चे और बुजुर्ग है। और गर्मी बहुत है, और गर्मी बहुत है। और पता है लाइक ऐसा हो गया कि मोस्टली यही होता है कि हस्बैंड वाइफ जाते हैं या फिर बच्चों को रख के जाते हैं, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। हम ऐसा होता भी तो नहीं कर सकते थे कि हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमको ऑब्वियसली अपने बच्चों के साथ करना है। सेकेंड लकी की अम्मी जो कि पैरों से भी ठीक नहीं है, बुजुर्ग भी है, तो उनकी भी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लकी को लेके चल रही है, मुझे पूरी पूरी हुरैन अल्तमश की। तो ये भी देखने के लिए बहुत ज्यादा वो रहेगा कि बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ हमें क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही है, किस तरीके से। ऑब्वियसली वहां पे तो जो हेल्प है वो अल्लाह करता है, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान बन के जाते हो। सो बहुत मजा आएगा। मैं तो बस रात दिन वही सोच रहा हूँ कब पहुंचता हूँ, कब पहुंचता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं। तो बस अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज थी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो वेट कर रहे थे कि आपने उमरा नहीं किया, हमें उमरा देखना है, तो वो बहुत दिल से चाहते थे कि हम उमरा करें। मुझे लगता है हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड वो है। तो फाइनली वो दिन आ गया है, सब दुआओं में याद रखें अपना ख्याल। मन्नू तो बहुत खुश है, पता है मन्नू एक्चुअल में मुझे जब फोन आया ना तो ये आगे पीछे हो गए थे कि मैं कुछ काम थे ये सब, तो मन्नू बोले नहीं चलना है चलना है। हाँ, चलो ठीक है। लकी ने बोल दिया था कि एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट वाला होगा ना टूर उसमें करवा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी अगर फोन आया है और सब हो रहा है, तो जब अल्लाह हमें अपना मेहमान बनके बुला रहा है तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा फोर्स किया। फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ, नेक्स्ट डे कुछ हमारा जो हमारा पैकेज, जो हमारा पूरा एक ग्रुप जा रहा है, जब दूसरे दिन फिर एक कॉल आया, उसमें कोई चीज आई, तो मतलब मैं आपको बताऊंगी आगे क्या प्रॉब्लम आई है, जो हमको अभी लेके चलनी है वो चीज, क्योंकि हम लोग सब साथ में नहीं जा रहे। तो उसमें भी ऐसा हुआ कि मैंने लकी को अलग में जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो लकी को मैंने बोला कि एक काम करो, दो लोगों का अगर जम रहा है ना तो तुम अपने अम्मी के साथ चले जाओ, मैं बच्चों के साथ बाद में करूंगी। बट लकी ने अभी तक वेट ही इसलिए किया कि वो बच्चों के और मेरे साथ, हम सबके साथ करना चाहते थे। तो उसके बाद लकी को फिर हुआ कि रहन देते हैं नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा देखो ऐसे करते करते तो ये हुआ कि पहली बार अल्लाह ने हमको ऐसे खुद से हमारे घर कॉल आया, हमारा सब डन हो गया, और हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो जब अल्लाह बुलाता है ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जा रहे हैं गाइस, ये मेरी आंखें। अच्छा अच्छा, सब सबको डिंपल का पे, डिंपल का डिंपल, डिंपल का डिंपल, पहले अल्लाह, पहले अल्लाह का है, अल्लाह अल्लाह का है, अल्लाह अल्लाह, ये फ्लाइंग किस कर दो, चलो फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस, अब ये मूड में नहीं है, ये फ्लाइंग किस कर दो, ये ना अभी कल से पता है, मम्मा 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 मम्मी 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 मम्मा मम्मा। तो मेरा कुत्ता उमला करने जा रहा है, उमला करने जा रहे हो, उमला के लिए जा रहे हो। और गाइस बहुत जल्दी हुरैन सुल्तान, और मैं अपने डाइट का भी बहुत सारे मन्नू बोले सब पूछ रहे हैं डाइट वाइट, बहुत सारे कमेंट, तो मैं डाइट वाइट का भी सब बताऊंगा। वो हुरैन सुल्तान चैनल पे ये पर्सनल उसी पे एक वीडियो डालेंगे जहाँ पे आपको सिर्फ और जो मोटे मैटे फेटे फाटे है ना टेंशन नहीं लेने का हो जाता है। जो लकी के जैसे थे ना वो अब टेंशन मत लो, वो अब लकी के जैसे हो जाएंगे और इससे भी ज्यादा फिट हो जाएंगे। देखो कितने, अभी देखो कितना अंदर हो गया, इसको कितना अंदर लेना है, नहीं तो बहुत चला गया अभी तो बहुत फिट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह उमरा में रोजे कंटिन्यू बनेगा, बहुत मजा आने वाला है, आने वाली सीरीज बहुत मजेदार होने वाली है। हमारा 15-20 डेज का टोटल टूर होने वाला है। मैं सारी डिटेल्स आपको आने वाले ब्लॉग में कंटिन्यू देती रहूंगी। अपना प्यार देते रहें, दुआओं में याद रखें, नाम लेके दुआ करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।